प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति बबलिया में शुरू हुआ तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य। प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति 347 बबलिया में तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य शुरू कर दिया गया है। बताया गया कि पिछले वर्ष के अनुसार जंगलों में तेंदुपत्ता पर्याप्त नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि निरंतर वर्षा होने के कारण, ठंडा मौसम पड़ जाने के कारण तेंदुपत्ता नहीं निकल पाया है। पेड़ों में पुराना पत्ता झड़ता है तो नया पत्ता निकलता है, लेकिन अप्रैल में बारिश होने से मौसम ठंडा पड़ गया, पेड़ों में नए पत्ते नहीं निकल पाए, जिससे फलों में विगत वर्ष की भांति इस वर्ष आवक कम हो रही है। पिछले वर्ष पहले दिन ही जिस फल में 60,000 की आवक थी, वहां 4,000 की ही खरीदी की गई, इसलिए इस वर्ष तेंदुपत्ता का टारगेट पूरा होना मुश्किल लग रहा है। जिस फल में 250 मजदूर एक दिन में पत्ता तोड़ने जाते थे, वहाँ एक दिन में 25 मजदूर ही पत्ता तोड़ने जा रहे हैं।